हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो कि इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम से कंसर्न होती है, जिसके अंदर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया जाता है और हमारी क्या वॉन्ट्स हैं, हमारी क्या रिसोर्सेज है जो कि हम यूज करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी वॉन्ट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। तो जो भी इकोनॉमिक इश्यूज या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उन सबके बारे में इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर डील किया जाते हैं इकोनॉमिक इश्यूज को एट इंडिविजुअल लेवल। इसमें हम इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल आउटपुट और इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये भी हमारी एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हम बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम एज अ इकोनॉमी एज अ होल हम डिस्कस करते हैं। इस उसमें हम पर्पज से बोल सकते हैं कि ये जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था हमारा पॉइंट, वो था हमारा इंडिविजुअल लेवल पे जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा लार्ज लेवल पे होता है, ये इकोनॉमी बेसिस पर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एज अ होल इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा कंसर्न होता है जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या एग्जिस्ट है उसके ऊपर इसका डिस्कशन किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के हम डिस्कस करते हैं व्हाट आउट टू बी, इट मीन्स हमारे जो रियल इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं वो हमारे मॉरल एथिकल एंगल्स के बेसिस पर हम उनका डिस्कशन करते हैं कि हमारे मॉरल उसके ऊपर क्या ड्यूटीज हैं, क्या एथिकल वैल्यूज हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, इसके अंदर हम जजमेंट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट उसकी प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, यानी क्या हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हमें फर्स्ट फुलफिल करना चाहिए। इसमें नेसेसरी गुड्स आ जाते हैं, कैपिटल गुड्स आ जाते हैं, कुछ हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं। फिर आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज से, कि हमें अब क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे कि दो तरह की हमारे टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उसके बेसिस पर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम सबसे पहले वो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उसके बेसिस पर हम उस चीज को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो कर्व होता है जिसके अंदर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज जो होती हैं टू गुड्स की, उसके अंदर जो भी विद इन रिसोर्सेज या फिर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारे अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज करके। फिर आता है हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसके अंदर हमारी जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटीज होती हैं उनका हम सम कर देते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज होता है जो कि हमारे डिफरेंट कंजम्पशन का हम यूज करते हैं। जैसे कि इसमें हमने लिखा है टी यू इक्वल्स टू एम यू प्लस एम यू टू प्लस एम यू थ्री एंड सो ऑन। जितने भी हम मार्जिनल यूटिलिटी यूज करेंगे उन सबका सम हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटीज की। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी वो यूटिलिटी होती है जो कि हमारे ड्राई वुड के कंजम्पशन से, जब भी हम कोई भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं किसी भी गुड की, तो वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। तो कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि हमारे डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमारे डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस हाई होंगे तो वहाँ पर हमारी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन अगर किसी के प्राइस लो होंगे तो वहाँ पर उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है कि ये एक दूसरे से इफेक्ट करते हैं।
फिर आता है हमारा सेकंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो ऑफ कोर्स हमारी जो डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो हमारी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। फिर होता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, और जो उससे रिलेटेड गुड्स है अगर उनके प्राइस कम होंगे तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि पर्सन ये सोचेंगे कि अगर इस प्रोडक्ट के प्राइस हाई है तो हम इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि उसके लो है, दोनों से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वहाँ पर स्विच ओवर कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। समटाइम्स कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है तो वो अपने अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस भी इंक्रीज होंगे तभी वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम है लेकिन कस्टमर को उसका टेस्ट एंड पसंद नहीं आ रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, फिर भी उसकी डिमांड कम रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। तो कुछ कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर वो प्रोडक्ट उसके कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल नहीं करवा रहा है, कर पा रहा है, तो वहाँ पर जो क्या होगी, प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो अच्छे से उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रहा है तो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी काफ़ी रहेगी। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन में बहुत इफेक्ट करता है डिमांड पर। सपोज आप सोचिए, अगर आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट को ऐसी जगह लॉन्च किया है जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर सारे पर्सन एक बार में उस प्रोडक्ट को अगर परचेस कर लेंगे तो एक टाइम पर आके आपके जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब सभी लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके होंगे तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आपने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो वहाँ पर आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, कभी कोई परचेस करेगा उस प्रोडक्ट को, कभी कोई उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब इसके हम बात आते हैं हम रीजंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन से एप्लीकेबिलिटी के रीजंस हैं उन पे हम बात करते हैं। फिर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसा कि इसके अंदर है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर यही बताया जाता है कि जैसे जैसे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उसका पूरा फुलफिल होता जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक एक टाइम पर आकर उसकी वो डिमांड भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जब तक वो उसको डिमांड उस पर्सन की सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करता रहेगा, लेकिन जहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन हो गया वहाँ पर उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। और इनकम इफेक्ट, जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर उस पर्सन की इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी और अगर इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी वही चीज़ है कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत हाई हैं लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस बहुत लो हैं तो कस्टमर जो भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसको परचेस करेगा और यहाँ पर उस वाले प्रोडक्ट के पहले वाले प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो डिमांड है वो कम हो जाएगी। फिर आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, जो कि अभी मैंने उसकी बात की थी हमारे पॉपुलेशन की, तो ये भी सेम वही है कि अगर हमारा साइज ज़्यादा होगा कंज्यूमर का तो डिमांड ज़्यादा होगी, साइज कम होगा तो हमारी डिमांड कम होगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द गुड्स। फिर ये आता है कि उस प्रोडक्ट के जो भी गुड्स है उसके कितने यूजेस, यानी उसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के यूजेस ज़्यादा हैं तो वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर कंज्यूमर्स भी ज़्यादा होंगे, हर कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेगा तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट के यूजेज ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर डिमांड भी कम होगी। तो इस तरह से कुछ रीजंस हैं जो जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। फिर आता है हमारा लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व वो कर्व होता है जिसमें जो हमारा स्लोप जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए लीनियर डिमांड कर्व कहलाता है। फिर आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को जब कंबाइन कर लिया जाता है तो उसे फिक्स फैक्टर बोला जाता है, या फिर हम इसको बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसको फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जिसके अंदर टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है और उससे जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन है वो सेम लेवल पर मिलता है, तो वो हमारा इंडिफरेंस कर्व कहलाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होती है जिसके अंदर कस्टमर विलिंग होता है सेक्रीफाइस करने के लिए वन गुड को, यानी एक गुड को वहाँ पर सेक्रीफाइस करता है किसी अदर गुड की एक यूनिट को लेने के लिए या फिर उसको कंज्यूम करने के लिए, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो हम शॉर्ट में इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की को वो सेक्रीफाइस करता है किसी अदर प्रोडक्ट की एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए, तो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। अब इसके बाद आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो सेल्फ ओन और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज भी कहलाती है। जैसे हम इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल या फिर रेंट ऑन ओन बिल्डिंग। तो अपनी बिल्डिंग पे हमें रेंट मिल रहा है या फिर अपने कैपिटल पर जो भी हमें इंटरेस्ट मिल रही है वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद आता है प्रोड्यूसर इक्विबेरियम। प्रोड्यूसर इक्विबेरियम वो सिचुएशन होती है जिसमें प्रोड्यूसर ना तो या तो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर लेता है या फिर अपने लॉस को मिनिमाइज कर लेता है, तो वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विबेरियम कहलाता है। तो दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, या तो वो लॉस को अपना मिनिमाइज कर ले या फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले, तो वो उसका प्रोड्यूसर इक्विबेरियम पॉइंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स इकोनॉमिक्स से थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी तरह का एग्जाम दो, अगर इकोनॉमिक्स का पेपर है तो ये पॉइंट में से कुछ ना कुछ तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप इनका रिविज़न कर लीजिए, और अगर आपको इनके पिक्चर्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी। और आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा अकाउंट से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।